डेली हालात न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखिए आज की टॉप खबरें। नाजरीन, मेट्रोपॉलिटन शहरों और बड़े शहरों में पार्किंग आज सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। आप अगर अपनी फोर व्हीलर लेकर जा रहे हैं तो ड्राइवर का होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो उसमें मौजूद रहे। तो नाजरीन, गैर कानूनी पार्किंग से गाड़ी उठाने के क्या कवानीन हैं और जहां इस पर अमल दरामद नहीं होता तो एक आम शहरी क्या करे, आइए जानते हैं। इस ताल्लुक से इस पर बात करते हैं कि हर शहर में पार्किंग जोन होते हैं और वहां गाड़ियां पार्किंग के कवानीन होते हैं, और अगर किसी मुकाम पर पार्किंग जोन ना हो और वहां आपको गाड़ी रोककर कुछ काम करना हो तो गाड़ी में किसी का होना या ड्राइवर का होना बहुत ही ज़रूरी है। गाड़ी रास्ते में पार्क नहीं कर सकते और बिना ड्राइवर के छोड़कर जा नहीं सकते। ये कानून की खिलाफ वर्जी होगी और गैर कानूनी पार्किंग के सिलसिले में टोइंग वैन आपकी गाड़ी उठा ले जाएगी। तो नाज़रीन, इस सिलसिले में सबसे अहम बात यह है कि टोइंग वैन के लिए जो कानून है वो ये है कि गाड़ी के नंबर की अनाउंसमेंट करें वो, और अपील करें कि फौरन अपनी गाड़ी यहाँ से हटाएं, जिसकी गाड़ी वो फौरन आ जाए, और अगर वो फौरन आ गया तो उसे किसी किस्म का जुर्माना उससे वसूल नहीं किया जाएगा। गाड़ियों में ड्राइवर या कोई और बैठा हो तो वो गाड़ी उठाई नहीं जाएगी बल्कि उसे वहाँ से हटाने के लिए कहा जाएगा। तीसरा, ऐलान सुनकर आपके आने से कबल अगर उन्होंने गाड़ी उठाई, यानी टोविंग वैन वालों ने गाड़ी उठाकर अपनी वैन में रख ली, तो 200 रुपये फौरन अदा करके वो गाड़ी उसी मुकाम पर आपको वो लौटा देंगे। वरना गाड़ी ले जाने की सूरत में गाड़ी की टोविंग का के चार्जेस और जुर्माना अदा करना होगा। और सबसे अहम खबर ये बात ये है, कानून ये है कि टोविंग वैन में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के दर्जे का पुलिस का एहलकार होना ज़रूरी है। उसके बगैर टोविंग वैन वाले गाड़ी उठा नहीं सकते। या निजी कंपनियों को जो ठेका दिया जाता है उस गाड़ी में भी टोविंग में असिस्टेंट इंस्पेक्टर दर्जे का ऑफिसर होना ज़रूरी है। साथ ही उसके ई चालान करने के लवाजिमात और वॉकी टोकी और अनाउंसमेंट के आलात होना भी बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, बात करें अगर हम भिवंडी कॉरपोरेशन की, तो भिवंडी कॉरपोरेशन में पार्किंग जोन के नाम पर कहीं इस तरह का बोर्ड नज़र नहीं आता, ना कॉरपोरेशन की जानिब से पार्किंग की सहूलत का कहीं पर कोई एरिया नज़र आता है, ना ही ऑटो रिक्शा स्टैंड के ताल्लुक से बोर्ड लगे हुए हैं और बाकायदा तौर पर अलॉट किया गया है। साथ ही हॉकर जोन नहीं है, इस तरह की बहुत सारी कमियां हैं। और हम अपील करते हैं, नए हमारे कमिश्नर नए, अब वो पुराने हो चुके हैं और उन्होंने शहर में बहुत ही अच्छा काम भी किया है, साफ सफाई के मामले में भी और इलीगल पार्किंग और दूसरे मसाइल में भी अच्छा काम कर रहे हैं। उनसे गुजारिश है कि पार्किंग जोन, हॉकर्स जोन, ऑटो रिक्शा स्टैंड, इस तरह की तमाम सहूलतें आवाम को फराहम करें। नाजरीन, ये एक अहम मालूमात है और इसे आप अपने लोगों में शेयर कीजिए और इसे आगे बढ़ाइए। शुक्रिया नाजरीन। खड़ोली नासिक हाईवे पर ज़मीन खरीदने का सुनहरी मौका है। नाजरीन, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you for watching. Please subscribe.